दोस्तों, स्पेशल टेक्नो चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है, ये OFRC ऑर्डनेंस फैक्ट्री इक्विपमेंट सेंटर का, आज के इस वीडियो में जो फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। सर, जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व कराए, तो इसको सॉल्व कराते हैं। तो ये फिटर ट्रेड का है, जो 20 सीरीज के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। जो ABCD जो भी सीरीज है, उनमें क्वेश्चन का क्रम अलग अलग है, बट क्वेश्चन आपके एक ही है। तो देख लेते हैं, जो सब्जेक्ट है वह दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया है। एक पार्ट ए है, जिसमें सामान्य विज्ञान और गणितीय अभिज्ञता यानी जनरल साइंस एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड दिया गया है, और पार्ट बी है, उसमें ट्रेड से रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा। इस यह क्वेश्चन है वह फिटर ट्रेड का है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले भाग ए को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सब भाग ए पार्ट ए को सॉल्व करने जा रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड दिया गया है, इसमें 20 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ स्क्रीन पर, यदि पी क्यू दो प्राकृत संख्या हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों बता दूं, यदि पी क्यू दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू होगा, और यही गुणनफल एलसीएम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 21 और 20 का एलसीएम कितना होगा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इस प्रकार इनका, चूंकि यहाँ पे जो मान नहीं दिया गया, पी और क्यू कोई भी दो संख्या दी गई है, तो जब इनका एलसीएम पूछा है, यदि वह डिजिट नहीं देता है, तो उस टाइम दोनों का मल्टीप्लाई करके वह, जैसे पी इंटू क्यू जो हमारा ऑप्शन दे रहा है, वह करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा को जब इधर लेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर में इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, यानी टेन थीटा का जो मान होता है वह साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर 10, चूंकि 1 जो है, 1 वह 10 45 का मान है, 45 का मान है, और तो यहाँ पे देख सकते हो 10 45 डिग्री बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ पे वो ले लिया, तो जो 10 से 10 जो है इनवर्स में जाके कैंसिल हो जाएगा, और ये अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वह थीटा का मान 45 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे, AP 24 21 18 की कौन सी संख्या प्रथम ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए इसको किस प्रकार का, तो देखिए यहाँ पे वह बोल रहा है AP 24 21 18, जैसे कि आप देख रहे होगे यह संख्या घटती जा रही है, 24 के बाद 21, 21 के बाद 18, इन दोनों इनके बीच का अंतर जो है 3 आ रहा है, दोनों के बीच का अंतर 24 और 21 से, 24 से यदि 3 जाए तो 21 बचेगा, 21 से 3 को माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे, वह पूछ रहा है प्रथम ऋणात्मक संख्या क्या होगी, निगेटिव संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार हम इसको कर लेंगे, देखिए यहाँ 3 3 कम करते हुए, जैसे 18 से 3 कम किया, 15 से कम किया, 12 से 3 कम किया, 9 आया, 9 से कम किया 6, इस प्रकार 0 तक लेके आते हैं। अब 0 के बाद जो संख्या माइनस होगी वह निगेटिव में चली जाती है। तो जैसे कि आपको पता है, 0 से जब 3 और कम लिखना होगा तो -3 जो हमारा रहेगा वह, देखिए तो यह हमारी प्रथम ऋणात्मक संख्या है। तो दूसरी ऋणात्मक संख्या यदि वह पूछता है तो यहाँ पे फिर 3 कम, यानी तो -6 आ जाएगा। तो वह पूछ रहा है इसे है कौन सा पद है, किस पद पर आएगी। तो यहाँ से हम इसको काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट पद ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो हमारा 3 है वह 10 है। इस प्रकार ये 1 2 3, इस प्रकार इनको काउंट कर लेंगे तो ये 10 है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 10। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा 10 दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समकोण पर है बी के, तो AB बराबर AC या AC छोटा है AB से, या AB बराबर है AC के, या AB छोटा है AC से। तो देखिए वह बोल रहा है समकोण त्रिभुज, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है एक, और इसका जो समकोण दे रहा है वह B पे दे रहा है, यानी हम इसको मार्किंग कर लेते हैं A B और C। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से पता होता है AC का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो यह हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें AC जो है वह बड़ा है AB से, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वह इस प्रकार रहेगा, AC बड़ा है AB से,
हमारा जो ए सी है वह ए बी से बड़ा है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, हिंदी में मिस प्रिंट है, इसका इंग्लिश कॉपी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है वह फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें कि इफ़ ट्रेंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी देन, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए इसमें वी ऑप्शन रॉन्ग दे रहा है, क्योंकि हमारा जो ए सी है वह बड़ा हो जाएगा ए बी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यदि त्रिभुज ए बी सी समकोण पर है बी के, तो क्या ए बी बराबर ए सी होगा, या ए सी छोटा होगा ए बी से, या ए बी बराबर ए सी होगा, या फिर ए बी बड़ा होगा ए सी से, ए बी छोटा होगा ए सी से, या बोले ए सी बड़ा होगा ए बी से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, जिसको काउंट किया है तो पाइथागोरस प्रमेय को हम जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे जो ए सी है यानी कर्ण है वह दोनों वर्ग के योग के बराबर है, यानी हमारा ए सी बड़ा है ए बी से। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी बड़ा है ए सी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 19x+19 का शून्य ज्ञात करें। तो देखिए यह द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 19x+90 का, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 10x+9x+90=0। तो यहाँ से x कॉमन लेके इसको सिंपल तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो x का मान -10 और x का मान -9 आ रहा है, यानी -9 -10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी दो अंकों की संख्या जैसे कि आप देख रहे हो 99 है, एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स बराबर 2×3+11। तो आप देख सकते हो एक्स का मान किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, 17 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देखते हैं, एट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी दो अंकों की प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या एक से लेके अनंत तक होती है। अब जो प्राकृत संख्या में क्या है, जीरो काउंट नहीं होता है और माइनस की संख्या कोई भी काउंट नहीं होती है। जैसे कि देखिए नॉट नेचुरल नंबर जीरो उसमें काउंट नहीं रहेगा और कोई भी माइनस की संख्या नहीं रहेगी, वह बाकी 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है अनंत तक जो है वह प्राकृत संख्या रहेंगी। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी दो अंकों की प्राकृत संख्या है। देखिए यह भी प्राकृत संख्या है, 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 बट वह पूछ रहा है सबसे बड़ी कौन सी है, तो हमारा 99 हो जाएगा। प्रदत्त आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करें, तो देखिए इसको किस प्रकार करेंगे। तो देखिए 9 नंबर नोट ये है, एक औसत को ही हम माध्य या मध्यमान भी कहते हैं, जो औसत है एवरेज है उसी को हम माध्य या मध्यमान कहते हैं। तो औसत का सिंपल ही फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर आंकड़ों का योग कर लेंगे, आंकड़ों की संख्या यानी 127/9 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह 14.1 आ रहा है, 14.1 आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 14 अप्रेक्सोमेट्री जो कि ऑप्शन में दिया हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। अब नेक्स्ट देखिए एक्स का मान ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका 8 निकल के आ जाएगा। अब आते हैं जो जर्नल साइंस क्या है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। तो जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों के लिए वह मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है, एक विद्युत फ्यूज इस पर आधारित होता है, करंट के चुंबकीय प्रभाव पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर वह पूरा प्रभाव होता है, आधारित होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के वेतन प्रदत्त सेवक थे, तो वह थे मामलतदार, जो बी ऑप्शन है वह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे जो कि साइंस से है, मानव पाचन प्रणाली में निम्न में से किसके द्वारा पित्त स्त्राव होता है। तो जो पित्त स्त्राव होता है मानव की पाचन प्रणाली में वह लीवर से होता है, यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की गई है। तो जो आपातकालीन घोषणा इंडिया में लगभग 3 बार हो चुकी है, लेकिन जो फाइनेंशियल आपातकालीन है वित्तीय आपातकालीन घोषणा अभी तक कभी नहीं हुई है। तो इसका आंसर नेवर हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी अम्ल के लिए समान एक तत्व है, तो हाइड्रोजन है, आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो अधात्विक खनिज जो है वह अग्रीय चट्टान में,
कायांतरित चट्टान में, अवसादी चट्टान में या उपरोक्त सभी, तो सभी में जो है वह आधात्विक खनिज पाए जाते हैं। हमारे आहार के किस तत्व के टूटने पर एमिनो अम्ल बनता है? तो जो एमिनो अम्ल बनता है वह प्रोटीन के जरिए बनता है। जब प्रोटीन डिवाइड होता है, टूटता है, तो एमिनो अम्ल में विभाजित हो जाता है। प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस किस दिन मनाया गया? तो 28 अक्टूबर। निम्नलिखित दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, तो वह हमारा चीन। अब आते हैं अपने बी पार्ट के ऊपर, डोमेन नॉलेज, जो कि आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। तो देखिए बता देते हैं, निम्न में से अस्थायी जोड़ है, तो देखिए बेल्टेड जो कि स्थायी जोड़ है, रिवेटेड जोड़ जो कि सेमी परमानेंट फास्टनर है, और शोल्डर्ड जोड़ यह भी सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है, और जो प्रेस फिट जोड़ है वह हमारा अस्थायी जोड़ है। अच्छी हालत में पीसने वाले पहिए बनाता है, एक अच्छी ध्वनि बनाता है। आपको इंग्लिश भी दिखाते जाएंगे जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन होगा, अभी जो आंसर पर फोकस करते हैं। फिलर गेज का दूसरा नाम है, तो फिलर गेज का क्लियरेंस गेज जो है, फिलर गेज का जो सेकंड नाम है वह क्लियरेंस गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, 24। एक छेद गेज के न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए एक छेद है, तो जो हॉल गेज होता है, स्मॉल हॉल गेज होता है, उसकी रेंज जो है 3.2 से 12.7 मिलीमीटर तक होती है। तो वह पूछ रहा है एक छेद की न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए एक छेद है, तो जो न्यूनतम आकार इससे चेक होता है वह 3.2 मिलीमीटर होता है, और हमें यह ऑप्शन नहीं दिया गया, 3.8, 3.5, 3.6। तो जो है इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2% से अधिक लोहे की मात्रा कहलाती है, वह कास्ट लोहा में होती है, कास्ट आयरन में होती है, पिग आयरन जो है वह लोहे का अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, नल ड्रिल आकार का पता लगाने के लिए शुभ होना चाहिए, हिंदी थोड़ी मिस्टेक दी रहती है, फाइंड आउट द टैप ड्रिल साइज द अप्लाई फॉर्मूला इज बी। तो जो टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला होता है वह तीन तरीके से हम टैप ड्रिल साइज को निकाल सकते हैं। यह होता है टैप ड्रिल साइज बराबर डी इंटू 0.8 का जब मल्टीप्लाई करते हैं, यह थंब रूल के अंतर्गत आता है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है टैप ड्रिल साइज में से टैप साइज माइनस पिच को जो है माइनस कर देते हैं, उस टाइम भी टैप ड्रिल साइज निकलता है। और जो थर्ड जो फॉर्मूला है वह स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज माइनस 0.6134 इंटू पिच इंटू टू। जब हमारा यह फॉर्मूला अप्लाई होता है तो ये इसमें 100% गहराई की थ्रेड बनती है, माइनर साइज निकल के आता है। तो अभी क्वेश्चन के आंसर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, काफ़ी वीडियोस में मैं इनकी डिटेल्स बता चुका हूँ, जो कन्फ्यूजन है उसको थोड़ा क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवेबल जा ऑफ अ बेंच वाइज इज नॉट मूविंग इवन थ्रो द स्पेंडल इज टर्न इट इज ड्यू टू। क्या कारण है जब मूवेबल जॉ नहीं चलता है जबकि हम स्पेंडल को स्लाइड कर रहे हैं, तो उसका जब पिन जो है स्पेंडल पिन इज ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ड्राइव यूज फॉर जर्नल पर्पस ड्रिलिंग वर्क इस टाइप। तो जो जर्नल पर्पस नॉर्मल पर्पस के लिए एन टाइप यूज करते हैं, हार्ड मटेरियल के लिए एच और सॉफ्ट मटेरियल के लिए एस प्रयोग करते हैं। कॉमनली यूज यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन इज। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो फीड की यूनिट है वह मिलीमीटर प्रति रिवर्स है। जब हमारा ड्रिल एक चक्कर घूमेगा तो हमारा ड्रिल जो है वह जॉब के कितने मिलीमीटर अंदर जाएगा, इसका यह मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए 31 क्वेश्चन है, यदि सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो कोणों का योग किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा है, इसके ऊपर कोई दूसरी सीधी रेखा खड़ी है या कैसे भी खड़ी है, तो यहाँ दो एंगल बन जाएंगे, बट वह पूछ रहा है इन दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों को प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो हमारी एक सीधी रेखा का जो कोण होता है वह हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाथ वाइस का प्रयोग इसे पकड़ने के लिए किया जाता है, तो छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइस का जबड़ा प्लेट किसका बना होता है, तो इसका जा प्लेट कास्ट स्टील का बनाया जाता है। गंध धातु किसकी एक मिश्र धातु है, तो हमारा कॉपर टिन एंड जिंक का जो मिश्रण है वह हमारी गन मेटल धातु होती है। पाइप वाइस पाइप को पकड़ती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो पाइप वाइस होती है वह पाइप को चार पॉइंट पर पकड़ेगी। इसका कारण है जो पाइप वाइस का जो जबड़ा होता है वह इस प्रकार होता है, कुछ भी टाइप में होता है, दोनों टाइप से बी टाइप में होता है, और इसमें जब जो हम पाइप को पकड़ते हैं तो पाइप हमारा इस टाइप रहेगा, यानी राउंड रहेगा, ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा।
और ये हमारी बी टाइप का जो है वो रहेगा 22 का जबड़ा। तो जो हमारा जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इस प्रकार हमारा जो पाइप वाइस है वह 4 पॉइंट से पकड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलोह धातु है? तो हमारी ताबा जो है अलोह धातु है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा स्थानांतरित लेथ में इससे होती है। चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं थोड़ा। देखिए 37 है, द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज इन अ लेथ थ्रो। जब लेथ के जरिए हमको लीड स्क्रू से कैरेज तक हमको गति को ट्रांसमिट करना है, तो हम किसके जरिए करेंगे? तो लीड स्क्रू से हाफ नट के जरिए हम कर सकते हैं गति को ट्रांसमिट। तो हाफ नट क्या होता है? हाफ नट थ्रेड काटते समय यूज करते हैं हाफ नट का, जो कि लीड स्क्रू की गति को कैरेज की गति में लीड स्क्रू की गति को कैरेज की गति तक पहुंचाता है। यदि वह बोल देता फीड शाफ्ट, चूंकि यहाँ पर स्पेशली लीड स्क्रू दिया है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हाफ नट ही होगा। यदि वह हाँ यहाँ पे फीड शाफ्ट बोल देता उस टाइम गियर बॉक्स को हम थोड़ा विचार करते, बट अभी लीड स्क्रू को बोला है तो लीड स्क्रू हमारा हाफ नट हो जाएगा लीड स्क्रू का, जब लीड स्क्रू से कैरेज तक हम गति को ट्रांसमिट नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन तो है हाफ देखिए नट। 39, निम्न उल्लेखित किस लेथ भाग को पावर फीड के साथ नहीं दिया जाता? किस में ऑटोमेटिक फीड नहीं लगाई जाती? तो हमारा जो कंपाउंड रेस्ट है उसमें हम ऑटोमेटिक फीड नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपर सेंक ड्रिल रीमर लेथ केंद्र का उपयोग मोस्ट टेपर पर किया जाता है। तो जो है इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MT-02 MT-04, बट सभी बुक्स में MT
होती है, इसमें बहुत ही जल्दी हाफ नट को इंगेज, यहाँ से हाफ नट को हमने इंगेज किया और थ्रेड काटते हुए जॉब की पूरी लेंथ तक, जैसे कि यहाँ तक हमारा जो है टूल थ्रेड काटता हुआ जा रहा है, उसके बाद यहाँ से हमने उस वे से थ्रेड टूल को हटाया और हाफ नट को डिसइंगेज किया, उसके बाद यहाँ फिर से रिटर्न लिया। तो इस थ्रेड चेजिंग डायल का जो पर्पस है वह क्या है, जल्दी से इस टाइम को बचाना, जो थ्रेड काटते समय समय की बचत करना। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आप रीडिंग देख रहे होंगे इस डायल पर, इसका प्रयोग करते हैं जब हम थ्रेड की कट को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कट को, उस टाइम हम यहाँ पर रीडिंग को काउंट कर लेते हैं कि हमारी रीडिंग वन पे है। तो इस रीडिंग को काउंट करने के बाद हम डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं टूल में और हम हाफ नट को इंगेज कर देते हैं, तो ये हमारा हाफ नट इंगेज हो जाता है और जो हमारी थ्रेड है वह लीड, वह कैरेज, हमारे कैरेज को मोशन प्राप्त हो जाता है लीड स्क्रू के द्वारा और थ्रेड कटते हुए हमारी पूरी लंबाई तक आती है। उसके बाद हम हाफ नट को डिसइंगेज करते हैं और उसे रिटर्न लेते हैं और मैनुअल इसको फिर से टूल को कट की पोजीशन में लाते हैं। उस टाइम हमको डायल को देखना होता है फिर से इंगेज करते समय कि वह एक पर है, वन पर है, जैसे पहले वन पर किया था, तो फिर से हमको वन पर करना होगा, एक पर करना होगा, उसके बाद हम इंगेज करते हैं फिर से, इससे हमारी टाइम की बचत हो जाती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, थ्रेड चेजिंग डायल, द पर्पस ऑफ चेजिंग डायल ऑन लेथ इज टू अचीव, तो यहाँ पे आप जो डी ऑप्शन देख रहे हो, पैकिंग अप द थ्रेड एक्यूरेटली एट द बिगेनिंग ऑफ ईच कट, यानी जब एक से अधिक कट में हम थ्रेड को पूरा करते हैं जैसा कि लेथ मशीन में, तो अगला कट लेते हैं तो उसको सुधारने के लिए, जो है सही वे पर ले जाने के लिए हम थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए हिंदी में बता देते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे देख रहे हो, खराद पर डायल का पीछा करने का उद्देश्य प्राप्त करना, तो यहाँ पे प्रत्येक कटाई की शुरुआत में धागे को ठीक से उठाना, यानी फिर से मतलब हर कट में जो टूल को, जो हाफ नट को इंगेज करना है वह सही पोजीशन में इंगेज करने के लिए हम थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको सभी आंसर बताना है एक ही वीडियोज़ में, तो मैं एक्सप्लेन अगली वीडियो में, आपके पार्ट बाई पार्ट चल रहा है, उन वीडियोज़ को जरूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, वायुयान का आवरण एल्यूमिनियम का बना होता है, इसका कारण है उसका भार, क्योंकि हमको एरोप्लेन में कम भार की मेटल को लगाना होता है, तो हम जो लगाते हैं वह एल्यूमिनियम को लगाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का भार सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, एक ड्रिल किए गए छिद्र में थ्रेडिंग का कार्य कहलाता है, तो जब हम किसी छिद्र में ड्रिल करते हैं उसे हम टैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार M12 1.75 के एक टैप ड्रिल के छिद्र का आकार होगा, तो यहाँ पे टैप ड्रिल साइज को निकालना होगा, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, टैप साइज यानी 12 है माइनस 0.6134 इंटू पिच यानी 1.75 इंटू 2, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर भी आएगा। मैं टैप ड्रिल साइज निकालना बता चुका हूँ, आप वहाँ से चैनल से देख सकते हो, अभी आंसर आपको बताते हैं। हैंड टैपिंग के लिए प्रयुक्त टैपों की सामान्य संख्या 3 होती है, बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयुक्त एक औजार व डाई है, खुले धूल आकार के अपघर्षण के साथ भाग की सटीक पिसाई की प्रक्रिया कहलाती है, तो जो वह कहलाती है वह बफिंग कहलाती है। इसमें जो है देखिए, इंग्लिश दिखा देते हैं इस क्वेश्चन की थोड़ा, देखिए बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग ग्राइंडिंग ऑफ पार्ट विथ लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव्स इज नाउ एज, तो यहाँ पे बोल रहा है लूज डस्ट टाइप एब्रेसिव, तो वह बफिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, 56 क्वेश्चन आप देख रहे हो, निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे की समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है, तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, इसको हम जेनी कैलिपर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का प्रयोग, तो फिलर गेज का प्रयोग वैसे क्लियरेंस मापने के लिए किया जाता है दो पार्टों के बीच, बट यहाँ पे देख रहे हो सतह की उत्तल करने, अवतल करने, उत्तल एवं अवतल, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सपाट सतह की जाँच करने, फ्लैट सर्फेस की चेकिंग के लिए। प्लग गेज का प्रयोग कार्य के टुकड़े के छिद्र का व्यास मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो किसी आरेख पर सतह समतलता किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? तो सरफेस रफनेस को इंगित करने के लिए त्रिकोण यानी ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच की जाती है। तो किसी भी सॉफ्ट के जो व्यास है उसकी चेकिंग के लिए माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज भी माइक्रोमीटर का दूसरा नाम है। यहाँ पे उसने अटैच करके दे दिया है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ। तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चूंकि आप देख रहे हो ऑप्शन कॉम्बिनेशन सेट के साथ कर नहीं सकते, स्लिप गेज के साथ नहीं कर सकते और हाइट गेज के साथ भी नहीं कर सकते। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना, तो वर्नियर कैलिपर का जो मीट्रिक प्रणाली में लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है। निम्न में से कौन एक कोण मापी यंत्र नहीं है? तो देखिए कौन एक कोण मापी यंत्र नहीं है, तो साइन बार से हम एंगल की चेकिंग करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं, बेवल प्रोट्रैक्टर से करते हैं और एंगल गेज से भी करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एक एंगल प्लेट जो कि जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग की जाती है, 90 डिग्री पर सपोर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह हमारा कोण मापी यंत्र नहीं है, एंगल मेजरमेंट के लिए यूज नहीं होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस है। वह बोला एक माइक्रो 18.3 प्लस 0.0 माइनस 0.1 मिलीमीटर के रूप में एक आयाम व्यक्त करना इसका संदर्भ है। यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, लिमिटिंग आयाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है। चूंकि आप देख रहे हो बेसिक साइज इसका जो है वह 18.3 है, 18.3 यानी यह हमारा हो गया बेसिक साइज। और जो प्लस में जो टॉलरेंस दिया है, प्लस में जो टॉलरेंस है वह 0.0 दिया है, यानी कुछ भी नहीं दिया, जीरो टॉलरेंस है। जो माइनस में जो टॉलरेंस दिया है वह 0.1 दिया है। तो जब हमारा बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट दी जाती है वह हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस होता है, और जब हमारा बेसिक साइज के ओनली एक साइड छूट दी जाती है वह हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 18.3 हमारा बेसिक साइज है और इसके एक साइड ही छूट दी है, क्योंकि माइनस हम इसको बना सकते हैं, प्लस नहीं बना सकते, क्योंकि प्लस का जो हमारा टॉलरेंस है वह कुछ भी नहीं दिया है, जीरो दिया है, इसलिए जो हमारा ये टॉलरेंस है वह हमारा यूनिलेटरल टॉलरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि 0.001 मिलीमीटर है और 0.175 मिलीमीटर की माप करने के लिए एक माइक्रोमीटर का पठन क्या होगा, रीडिंग क्या होगी? तो चलिए इसका इंग्लिश दिखाते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक दिया है। देखिए यहाँ पे दे रहा है 0.175 और ऑप्शन में सभी 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, तो जहाँ 0.1 है यहाँ 0.7 है, तो यह रॉन्ग प्रिंट हो गया है। इसका इंग्लिश देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखना पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी हिंदी में गलत दे रहा है, ज़्यादातर इंग्लिश का करेक्ट माना जाता है। तो देखिए द जीरो एरर ऑफ माइक्रोमीटर प्लस 0.001 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर टू मेजर 0.715 मिलीमीटर, यहाँ पर करेक्ट दिया है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए अब वह पॉजिटिव एरर दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है। तो यहाँ प्लस जब हमारा रहता है तो हमको मेन रीडिंग से माइनस करना होता है, यदि यहाँ माइनस होता तो हमको मेन रीडिंग में प्लस करना होता। तो देखिए अभी वह प्लस दे रहा है तो हमारी रीडिंग हो जाएगी 0.715 से 0.001 को हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यदि वह यहाँ ऑप्शन दे देता माइनस 0.001, यानी जो ये प्लस उसने यहाँ लगाया है इसकी जगह माइनस यदि वह दे देता तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता 16, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता। क्योंकि उसने अभी धनात्मक एरर दिया है तो हमको माइनस करना होगा, यदि वह ऋणात्मक एरर देता तो हमको प्लस करना होता, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैपर रिंग गेज इज यूज्ड फॉर, तो टैपर रिंग गेज का यूज करते हैं आउटसाइड डायमीटर नापने के लिए, चेक करने के लिए। तो चेकिंग आउटसाइड आउटसाइड टेपर रिंग गेज है, तो टेपर की चेकिंग करेगा, तो टेपर रिंग गेज क्योंकि आउटसाइड ही चेक करेगा, रिंग गेज है तो चेकिंग आउटसाइड टेपर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मोर्स टेपर इज डिनोटेड बाय द लेटर एम टी इट इज अवेलेबल फ्रॉम, तो जो मोर्स टेपर होता है, एम टी टेपर होता है, वह हमारा एम टी 0 से एम टी 7 तक होता है, जो कि आठ नोज में उपलब्ध होता है, आठ नंबर में प्राप्त होता है, एम टी 0, एम टी 1 से एम टी 7। तो एम टी 0 से एम टी 7 होता है, एक एम टी 0, एम टी 1, एम टी 2, एम टी 3, एम टी 4, इस प्रकार हमारा आठ संख्या में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है
SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग मेजरमेंट ऑफ। तो स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है किसी भी वायर के व्यास को नापने के लिए या प्लेट की थिकनेस को मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ द थ्रेड, लेंथ ऑफ वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है वह लेंथ दे रहा है, चूंकि हम इससे डाया मापते हैं इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थिकनेस ऑफ प्लेट। तो प्लेट की सीट की थिकनेस को मापने के लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर्टी बॉय विच मेटल कैन बी डाउन इन द फॉर्म ऑफ वायर विदाउट फेल्यूअर इज नाउ एज। तो वायर में कन्वर्ट करने के लिए डक्टिलिटी का गुण होता है। कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इनटू सीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जब हम सीट में कन्वर्ट करते हैं वह मेलेबिलिटी कहलाती है, किसी भी धातु को सीट में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे विच टाइप ऑफ थ्रेड इज ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर हैज। तो हमारी राइट हैंड थ्रेड इसमें होती है ऑक्सीजन सिलेंडर में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सेंटर ड्रिल? तो कंटिन्यू न्यूसन ड्रिल बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह कॉम्बिनेशन ड्रिल होता है, और इसका जो अदर नाम है वह कंटिन्यूशनल ड्रिल बिट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरस मेटल। तो इनमें फेरस मेटल कौन सा है? कास्ट आयरन। ये सभी नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं। यहां पे आप देख रहे होगे 73 क्वेश्चन, रेशो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात क्या होता है? तो इसमें हमारी तीन फ्रेम होती हैं, एक नॉर्मल फ्रेम और कार्बोनाइजिंग फ्रेम और हमारी ऑक्सीडाइजिंग फ्रेम। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं दे रहा है, तो न्यूट्रल फ्लेम की बात कर रहा है। न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का 1:1 बराबर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कार्बोराइजिंग में लगभग ऑक्सीजन 1% और जो एसिटिलीन 1.5% होता है लगभग लगभग। ऑक्सीडाइजिंग में यह 2.5 गुना हमारी रहेगी ऑक्सीजन और 1% एसिटिलीन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर 1:1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच टाइप ऑफ बोल्ट इज मोस्टली यूज्ड? तो अधिकतर यूज किया जाता है हेक्सागोनल हेड बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोल्ट फिट इन रेक्टेंगुलर स्लॉट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर स्लॉट में किस बोल्ट का प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए स्क्वायर बोल्ट का प्रयोग किया नहीं जाएगा, चूंकि वह रेक्टेंगुलर बोल रहा है तो स्क्वायर का हमारा नहीं हो सकता, हेक्सागोनल है नहीं है। तो जो टी बोल्ट जो होता है, टी बोल्ट का हेड जो है वह हमारा रेक्टेंगुलर होता है। इस प्रकार हमारा टी वोल्ट का हेड होता है। मैंने इसका टॉप व्यू आपको बना के दिखाया है, ये हमारा जो नीचे तक रहेगा इसका, और जो हमारा इसका हेड रहेगा वह रेक्टेंगुलर रहता है। तो इसको फिट करने के लिए रेक्टेंगुलर स्लॉट का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर टी वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो विच फास्टनर इज सेमी परमानेंट? तो सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत रिविटिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रोड पर जो कोटिंग करते हैं वो है उसको क्या कहते हैं? तो वो फ्लक्स के जरिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीलेन इज स्टोर्ड इन द गैस सिलेंडर। तो जो जो गैस होती है एसिटिलीन, सॉरी एसिटिलीन इज स्टोर्ड इन द गैस सिलेंडर्स। जो एसिटिलीन गैस है वह हमारी किस अवस्था में सिलेंडर में पाई जाती है? तो एसिटिलीन गैस हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में रहती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, तो वो अभी आंसर बताने का मेन उद्देश्य है। तो मेरे पास देखिए 79 है, जिग और फिक्चर का उद्देश्य है उत्पादन दर बढ़ाना, मशीनिंग सटीकता बढ़ाना, आपस में परिवर्तनशील निर्माण सुलभ करना या उपयुक्त से। तो उपयुक्त से भी इससे इंटरचेंजेबिलिटी प्राप्त होती है, मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, निम्न में से कौन सी पद्धति जनरेटिंग प्रक्रिया द्वारा गियर बनाती है? तो वह हॉवलिंग है। नेक्स्ट देख रहे हो ट्रिमिंग प्रक्रिया इससे संबंधित है, तो यह मशीनिंग ऑपरेशन है। नेक्स्ट कह रहा है प्रेस कार में खाली भाग का आकार इसके आकार पर निर्भर करता है, तो हमारा
डाई और डाई के क्लियरेंस के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे को काट सकता है कहलाता है सापेक्षिक व कठोरता। जब हमारा एक पदार्थ दूसरे से कठोर होगा तो जो कठोर पदार्थ सॉफ्ट पदार्थ को काट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कटाई के लिए छेनी कठोर की जाती है। तो जब हम किसी को काटने के लिए चीजल को जो हार्ड करते हैं